हेलो स्टूडेंट्स, लव डिमांड आप पढ़ रहे थे। इसमें आगे का टॉपिक है आपका नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में क्या अंतर है? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी लो होती है। यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उसे हम बोलेंगे नॉर्मल गुड्स, और जो लो क्वालिटी के होंगे उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का दूसरा नाम है बच्चों सुपीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का दूसरा नाम है बच्चों सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स कह सकते हैं, और इन्फीरियर गुड्स को हम कहेंगे लो क्वालिटी गुड्स। ये लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। अब देखिए क्या है, नॉर्मल गुड्स कौन से होंगे। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, इन दोनों में इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। अगर हमारी इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज और इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल, अगर कंज्यूमर की इनकम घटती है बढ़ती है तो उसकी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ की। कोई भी वस्तु हमने ली उसकी प्राइस अगर घटते बढ़ते हैं, मतलब प्राइस तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेंगे, प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे प्राइस तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, लेकिन कंज्यूमर की इनकम के अकॉर्डिंग वस्तु पे फ़र्क पड़ेगा, कॉमोडिटी पे फ़र्क पड़ेगा। कैसे? देखिए, डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज, क्या लिखा मैंने, डिमांड जो है गुड्स की वो इंक्रीज होगी एज इनकम ऑफ बायर राइज। यानी कि कंज्यूमर की जो डिमांड है, कंज्यूमर की मतलब जो गुड्स की डिमांड है कंज्यूमर की, वो आपकी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी वो? जब हमारी जो बायर की इनकम है वो बढ़ेगी, बायर की इनकम के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की डिमांड बढ़ेगी, प्राइस रिमेंस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखी जाएगी, प्राइस जो होंगे आपके वो कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, प्राइस क्या रहेंगे आपके, कॉन्स्टेंट रहेंगे। जब प्राइस कॉन्स्टेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग गुड्स की जो डिमांड है वो घटेगी बढ़ेगी, यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड घटेगी बढ़ेगी। देखिए अब कैसे बढ़ेगी और कैसे कम होगी, उसके लिए देखिए आप, डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीज मतलब हमारी एक कंज्यूमर है उसकी जो डिमांड है वो आपकी चेंज हो रही है। अगर हमारी इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम पहले 5,000 रुपये महीना थी और अब 10,000 रुपये महीना होगी कंज्यूमर की इनकम, यानी कि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो कंज्यूमर जो है सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा। समझ में आया? कंज्यूमर जो है सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर जो है सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा, लो क्वालिटी के गुड्स वो छोड़ देगा, लो क्वालिटी गुड्स नहीं वो फिर परचेस करने का, वो करेगा फिर सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स परचेस। तो इसमें मैंने क्या समझाया आपको, सपोज करेगी कंज्यूमर की इनकम क्या कहा मैंने आपको 5,000 है और उसकी इनकम जो है चेंज होगी 8,000 होगी उसकी इनकम, तो कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से वी हैव टू शिफ्ट, कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से हम शिफ्ट हो जाएंगे सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स की तरफ, सुपीरियर क्वालिटी गुड्स इसमें हम परचेज करेंगे, क्योंकि हमारी जो इनकम है कंज्यूमर की इनकम है वो हमारी बढ़ गई है। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग किस तरह से शो किया जाएगा, देखिए कंज्यूमर जो है सबसे पहले कंज्यूमर जो है यहाँ पे इस वाले पे खरीदता था, सपोज करो वो 5 kg घी खरीदता था, वो कंज्यूमर जो है 5 kg घी खरीदता था। अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ गई, कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ गई, तो क्या करेगा वो, इससे और अच्छी क्वालिटी का घी खरीदने की कोशिश करेगा। वो कंज्यूमर जो है और अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदने की कोशिश करेगा और अच्छा उसे परचेज करने की कोशिश करेगा, अच्छे से अच्छी क्वालिटी खरीदने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। और इसका ही उल्टा, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम अगर घटेगी, अगर कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, लो क्वालिटी गुड्स खरीदना शुरू कर देगा। इनकम डिक्रीज होने पर गुड्स जो है आपके लेस हो जाएंगे, मतलब इनकम घटते ही वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है कम कर देगा। सिनेमारा इनकम अगर घटेगी तो जो कंज्यूमर है सुपीरियर से इन्फीरियर की तरफ चला जाएगा, अच्छी क्वालिटी से बेकार क्वालिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम जो है वो अब कम होगी। इज दैट क्लियर? दूसरा, कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो कंज्यूमर जो है और अच्छी क्वालिटी के गुड्स की तरफ जाएगा, तो इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। देखो बच्चों, इनकम का बढ़ना ऊपर को, दूसरी तरफ डिमांड का बढ़ना ये भी ऊपर को, तो दोनों एरो ऊपर को है, दोनों एरो बच्चों का है ऊपर को है,
तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिलेशन है इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में और कंज्यूमर की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है बच्चों, कंज्यूमर की डिमांड में और कंज्यूमर की डिमांड और कंज्यूमर की इनकम दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। इसीलिए जो आपके नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स में अगर आपकी जो इनकम बढ़ेगी तो आप सुपीरियर की तरफ चलोगे और अच्छे की तरफ चलोगे, और इनकम अगर घटेगी तो आप इनफीरियर की तरफ चलोगे, तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लास्ट ईयर मतलब कई बार बोर्ड में आया ये टॉपिक, ध्यान रखना। दूसरा है आपका इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं बच्चों? लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी गुड्स। इसका एग्जांपल ले लेते हैं आप डालडा, डालडा की, और इन्फीरियर में ले लो आप रिफाइंड। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है, ये एग्जांपल आपकी बुक में है कि इन्फीरियर गुड्स के एग्जांपल, और इसमें यही हो गया कि इन्फीरियर गुड्स तो हो गया आपका रिफाइंड ऑयल, और जो आपका सॉरी सुपीरियर तो हो गया आपका रिफाइंड ऑयल, और इन्फीरियर हो गया आपका डालडा घी। डालडा घी आपका लो क्वालिटी में आता है, सस्ता भी आता है, तो ये आपका इन्फीरियर गुड्स हो गया, लो क्वालिटी गुड्स हो गया। अब इसमें देखिए इनकम का इफेक्ट किस तरह से पड़ेगा, इसमें इनकम का इफेक्ट पड़ेगा निगेटिव, इसमें इनकम का इफेक्ट पड़ेगा निगेटिव। निगेटिव कैसे पड़ेगा? इनकम तो बढ़ेगी, इनकम तो आपकी अगर इनकम बढ़ेगी देखिए क्या होगा, डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीज, डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीज, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। कब? जब बायर की इनकम बढ़ेगी। क्या कहा मैंने? डिमांड जो है गुड्स की डिक्रीज हो जाएगी जब बायर की इनकम बढ़ेगी। कैसे कैसे होगी? अब सुनिए ध्यान से, बायर की इनकम जो है सपोज करो कोई एग्जाम्पल 5000 थी और अब होगी 8000, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो कंज्यूमर की जब इनकम बढ़ेगी तो वो लो क्वालिटी के गुड्स परचेज करेगा या हाई क्वालिटी गुड्स परचेज करेगा इनकम बढ़ने से, तो कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। वी विल शिफ्ट टू द सुपीरियर गुड्स, जो कंज्यूमर है वो सुपीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट होएगा। फिर देख लीजिए आप ये जो ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे कंज्यूमर जो है इधर से इधर शिफ्ट हो रहा, कंज्यूमर जो है इधर से इधर शिफ्ट हो रहा, कब हो रहा है शिफ्ट? जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज होगी, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी। पहले 5000 रुपये इनकम थी, अब 4000 रुपये इनकम होगी, तो कंज्यूमर जो है कौन से गुड्स की मांग बढ़ावेगा कम इनकम में, बताओ? कंज्यूमर जो है इनकम कम होने पर लो क्वालिटी गुड्स की मांग बढ़ाएगा, लो क्वालिटी गुड्स उसे ज़्यादा चाहिएंगे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है सुपीरियर गुड्स खरीदने के लिए। और अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, किसकी? इन्फीरियर की। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? मतलब कह रहे हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर, कंज्यूमर ये जो आपका ये ग्राफ है ये आपका इन्फीरियर गुड्स का है ग्राफ, ये जो आप मैंने ग्राफ बनाया है ये आपका इन्फीरियर गुड्स का ग्राफ है, ये ग्राफ जो है इन्फीरियर का है। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पहले इतनी थी, सपोज करो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पहले इतनी थी, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इतनी थी, मान लो 5 किलो की, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मैं 5 किलो की खरीदता था पहले। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं घी कम खरीदूंगा, 2 किलो खरीदूंगा इसका। क्यों खरीदू 2 किलो? कम क्यों कर दी? इनकम तो बढ़ गई लेकिन डिमांड हमने कम कर दी। इनकम के बढ़ने के बाद डिमांड कम करने का कारण यह है कि इन्फीरियर है, लो क्वालिटी गुड्स हैं, तो इनकम अगर बढ़ेगी तो मैं थोड़े से परचेस करूंगा रामचारे को, मैं अच्छे क्वालिटी गुड्स परचेस करूंगा, मैं जो है अच्छे क्वालिटी के गुड्स परचेस करूंगा। यानी कि मतलब क्या है कि इनकम के कम होने पर लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और इनकम के बढ़ने पर लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड घटेगी। वी विल शिफ्ट टू द सुपीरियर क्वालिटी, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये इंक्रीज क्या बच्चों? कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो शिफ्ट हो गया सुपीरियर की तरफ, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो शिफ्ट हो गया बच्चे सुपीरियर की तरफ। ये देखिए कंज्यूमर की इनकम जो है इंक्रीज होगी तो सुपीरियर की तरफ शिफ्ट हो गया, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो वो इन्फीरियर की तरफ शिफ्ट हो गया। एग्जैक्ट क्लियर? कोई समस्या आई तो पूछ लेना। थैंक यू।